तो नाउ लेट्स डिस्कस लाइट इंडिपेंडेंट फेज। हमने लाइट रिएक्शन की बात की कि लाइट रिएक्शन के नतीजे में हमें एटीपी मिल रहा था, ठीक है, और साथ में एनएडीपीएच मिल रहा था। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं एटीपी और एनएडीपीएच, हम इनको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में यूज करते हैं। एटीपी एटीपी को यूज करते हैं, एनएडीपीएच को यूज करते हैं, और खास तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज CO2। CO2 इज अवर इनपुट हेयर, हम CO2 को यूज करते हैं, ठीक है। इसमें तीन मॉलिक्यूल्स होते हैं CO2 के, याद रखना, तीन मॉलिक्यूल CO2 का यूज करते हैं, नाइन्थ मॉलिक्यूल एटीपी का यूज करते हैं, और तकरीबन सिक्स मॉलिक्यूल यूज करते हैं एनएडीपीएच के। क्या? तीन मॉलिक्यूल CO2 का यूज करते हैं, नाइन मॉलिक्यूल एटीपी के करते हैं, सिक्स मॉलिक्यूल यूज करते हैं एनएडीपीएच के इस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। सो होता क्या यार, देखो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इज द वन जिसको लाइट की जरूरत नहीं है, यानी लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट हाँ लाइट के नतीजे में जो प्रोडक्ट बने हैं लाइक एटीपी एंड एनएडीपीएच, ये उन पे जरूर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए इसको हम कह तो रहे हैं कि लाइट इंडिपेंडेंट फेज, बिकॉज ये खुद लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि ये कह सकते हैं हम कि ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट इनडायरेक्टली जरूर डिपेंड कर रहा है, बिकॉज इसको जो चीज चाहिए ना, एटीपी चाहिए और एनएडीपीएच, वो लाइट की मौजूदगी में ही होता है। सो ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रिक्वायर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ एनएडीपीएच एटीपी विच आर द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड CO2 एज द मेन इनपुट। इसमें क्या होता है, एनएडीपीएच जो है ना, एनएडीपीएच ये रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, और जो एटीपी होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है इस प्रोसेस के लिए। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इंटू फोस्फोराइलेटेड, यानी एक एस कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, CO2 हमारा ऐसे कंपाउंड में चेंज हो जाएगा जो कंपाउंड फोस्फोराइलेटेड होगा, यानी उस कंपाउंड के ऊपर फोस्फेट ग्रुप लगा होगा। और क्या होगा इसके साथ साथ, वो ट्रायोज होगा, ट्रायोज का मतलब है उसके ऊपर तीन कार्बन होंगे और साथ में कार्बोहाइड्रेट होगा, यानी कि तीन कार्बन वाला कंपाउंड होगा जिसके ऊपर फोस्फेट लगा होगा और वो ट्रायोज होगा, यानी कि एल्डोज होगा। सो हम कह तो ये वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो CO2 कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर फॉस्फेट भी होता है, तीन कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट भी है वो, इट इज कॉल्ड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विच इज यूज टू मेक ग्लूकोज लेटर ऑन। अच्छा, और डार्क रिएक्शन में, एक डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं या C3 पाथवे भी कहते हैं। केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं, बिकॉज मेल्विन केल्विन ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, और C3 पाथवे इसलिए कहते हैं कि केल्विन साइकिल के अंदर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, मैं पहला प्रोडक्ट नहीं कह रहा, मैं पहला स्टेबल, अगर मैं कहूंगा ना पहला प्रोडक्ट तो वो 6 कार्बन वाला होता है, ठीक है, अगर मैं कहूंगा पहला प्रोडक्ट क्या है तो वो 6 कार्बन वाला होता है, लेकिन यहाँ पर मैं पहले प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं पहले स्टेबल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। सो केल्विन साइकिल में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन वाला होता है, इसीलिए हम इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें C3 साइकिल होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें C4 भी होती है, जिनमें C4 होती है उसको C4 पाथवे कहते हैं और C4 प्लांट्स कहते हैं, और जिनमें C3 होती है उनको C3 प्लांट्स कहते हैं। और ये मैंने इसका शुरू में इंट्रोडक्शन दे दिया। जो केल्विन साइकिल है इसके 3 फेज हैं, पहले फेज में हम कार्बन फिक्सेशन यूज करेंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, उसको एक चीज है कार्बन एक्सेप्टर जिसका नाम है राइबुलोज बिसफॉस्फेट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आएगी उसके ऊपर राइबुलोज बिसफॉस्फेट एक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, जिसको हम रूबिस्को भी कहते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में क्या होगा कि कार्बन फिक्सेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेंगे, कितने कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मॉलिक्यूल्स, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेप्ट करेंगे, विच विल बी एक्सेप्टेड बाय अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर विच इज नोन एज राइबुलोज बिसफॉस्फेट। राइबुलोज बिसफॉस्फेट जो है इट विल यूज रूबिस्को विच इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज, ठीक है, तो राइबुलोज बिसफॉस्फेट रूबिस्को को यूज करेगा और अपने साथ कंबाइन कर लेगा कार्बन को, और एक 6 मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड बना लेगा, और लेकिन जो 6 मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड होगा वो अनस्टेबल होगा, वो क्या करेगा फिर, वो टूटेगा और टूटने के बाद 3 मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड बना देगा, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में बात करते हैं, सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन होगी, फिर उसकी रिडक्शन होगी विद द हेल्प ऑफ NADPH, किसकी मदद से, NADPH की वजह से इसकी रिडक्शन हो जाएगी, और आखिर में हम कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेप्टर है उसको रीजनरेट करेंगे, और वो कौन है, MCQs का पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन सा है हमारे पास, वो है RUBP, दैट इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट का मतलब है इसके ऊपर 2 फॉस्फेट लगे होंगे, ठीक है। अब डिटेल में स्टार्ट करते हैं, व्हाट एक्चुअली इज कार्बन फिक्सेशन, इट इज द, कह रहे हैं कार्बन फिक्सेशन में जो की सब्सटेंस है
वो पांच कार्बन वाला कंपाउंड है जिसको हम RuBP कहते हैं। RuBP यानी के रेबुलोज बिस्फोसेट। सो की सब्सटेंस जो इस रिएक्शन में है वो है RuBP, दैट इज रेबुलोज बिस्फोसेट, ठीक है। और ये शुगर मॉलिक्यूल है, तो फाइव कार्बन वाला, लेकिन फोस्फोराइलेटिंग शुगर है, यानी कि इसके ऊपर फोस्फेट ग्रुप भी लगा हुआ है। सो कार्बन फिक्सेशन में वन ऑफ द की सब्सटेंसेस फाइव कार्बन फोस्फोराइलेटिंग शुगर, दैट इज कॉल्ड रेबुलोज बिस्फोसेट। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर भी कहते हैं, बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ राइबुलोज बिस्फोस्फेट कार्बोक्सिलेज। देखो राइबुलोज बिस्फोस्फेट कंबाइन होगा, राइबुलोज बिस्फोस्फेट जो है हमारा वो कंबाइन होगा इसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। लेकिन जब कंबाइन होगा तो एक एंजाइम भी यूज करेगा, उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को, इसकी फुल फॉर्म है राइबुलोज बिस्फोस्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज, ठीक है। जब ये करेगा तो इसके नतीजे में थ्री इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल ऑफ सिक्स कार्बन आर फॉर्म, यानी कि छह कार्बन वाले तीन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनेंगे। सो अगर एमसीक्यू आए कि पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, पहला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है, क्या कहते हैं C3 पाथवे में, केल्विन साइकिल में, वो होता है छह कार्बन वाला शुगर विच इज अनस्टेबल, ठीक है। तीन मॉलिक्यूल बनेंगे छह कार्बन वाले शुगर के, लेकिन क्या होंगे, वो अनस्टेबल होंगे। जब अनस्टेबल होंगे तो ये ज्यादा देर के लिए सही हालत में नहीं रहेंगे, बल्कि ये टूट जाएंगे, दे विल बी ब्रोकन डाउन, और क्या बनाएंगे, जब ये छह कार्बन वाला मॉलिक्यूल टूटेगा तो इससे दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे तीन कार्बन वाले। तो क्या करेगा, दो मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है, दो मॉलिक्यूल बनाएगा तीन कार्बन वाले इसके नतीजे में, और जो तीन मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड है वो भी फॉस्फोराइलेटेड ही होगा। तो तीन मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड जो बनाएगा उसको हम कहेंगे थ्री फॉस्फो इलिस्ट्रेट। क्या C3 पाथवे में सबसे पहले छह कार्बन वाला कंपाउंड बना किसकी मौजूदगी में, विद द हेल्प ऑफ रेबुलोज बिस्फोस्फेट, जिसने कंबाइन किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और छह कार्बन वाला कंपाउंड बनाया, तीन बनाए लेकिन वो अनस्टेबल थे, टूटे। और जो स्टेबल प्रोडक्ट बना है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बना है C3 पाथवे में, दैट इज थ्री फॉस्फोग्लिसरेट, थ्री फॉस्फोग्लिसरेट इसकी शॉर्ट फॉर्म है, अ फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड जिसके अंदर तीन कार्बन होते हैं, ठीक है। सिंस द कार्बन ऑफ इनऑर्गेनिक, अब देखो CO2 जो होता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एमसीक्यू उसका पॉइंट है। CO2 जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हमने यूज किया है और कंबाइन किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मिला रहे हैं कार्बन कंपाउंड के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, इसीलिए हम इसको कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। और जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो तीन कार्बन वाला होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, C3 पाथवे भी कहते हैं। तो ये बात देखो, तीन कार्बन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे रूबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में और बना देंगे थ्री फॉस्फोग्लिसरेट। थ्री फॉस्फोग्लिसरेट होंगे कितने बनाएंगे, छह मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री फॉस्फोग्लिसरेट बनाएंगे। अब छह मॉलिक्यूल क्यों होंगे, देखो टोटल तीन मॉलिक्यूल्स थे छह कार्बन वाले, जो कि 18 कार्बन बनते हैं। तो अगर हमने तीन कार्बन वाले बनाने हैं तो कितने बनेंगे, ऑब्वियसली बात है छह बनेंगे, सिंपल मैथ। सो हमने छह मॉलिक्यूल बना लिए थ्री फॉस्फोग्लिसरेट के, और यहाँ पर कार्बन फिक्सेशन कंप्लीट हो गई। कार्बन फिक्सेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल फॉलो अ पाथवे कॉल्ड रिडक्शन, उसके बाद होगी रिडक्शन। लेकिन कैसे होगी, अब जो हमारा थ्री फॉस्फोग्लिसरेट है ना, इसके छह मॉलिक्यूल हैं, तो छह मॉलिक्यूल जो है हमारे, छह मॉलिक्यूल थ्री फॉस्फोग्लिसरेट के, ये कंबाइन कर जाएंगे छह मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP के साथ। जब छह मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP कंबाइन करेंगे थ्री फॉस्फोग्लिसरेट के साथ, तो एक एक ATP तो पहले ही लगा हुआ था छह के साथ, इसलिए थ्री फॉस्फोग्लिसरेट था। अब दो ATP लग जाएंगे तो बन जाएगा वन कार्बन में भी ATP लग जाएगा, और तीन पे पहले से लगा हुआ था तो बन जाएगा 1,3, और दो हैं तो 20। हम लोग ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ऐड करते हो तो 20 इस्तेमाल करते हो। सो जब वन कार्बन पे लग जाएगा हमारा फॉस्फेट और तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट लग जाएगा, तो जो हमारा कंपाउंड बन जाएगा दैट विल बी 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। सो सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री फॉस्फोग्लिसरेट कंबाइन विद सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड फॉर्म सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है इसकी हो जाएगी रिडक्शन, इसको हम रिड्यूस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। NADPH आएगा अपना हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इसको अपना दे देगा तो NADPH चेंज हो जाएगा 6 NADP में। और इसके साथ साथ ये क्या होगा, जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट थे ना, कि यहाँ पे दो फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए थे इनके साथ, इस जब रिडक्शन हो रही होगी इसी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप लग गया था ATP के नतीजे में वो भी टूट जाएगा, और दोबारा से सिर्फ तीसरे नंबर पे ही लगा होगा ATP। और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट की जो रिडक्शन होगी NADPH की मौजूदगी में,
उससे जो कंपाउंड बनेगा देर विल बी ग्लिसरेल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट विच इज अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ है, रिविजन करते हैं कि रूबिस्को ने रेबुलोज बिस्फॉस्फेट जो 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है, ये कंबाइन करेगा हमारे CO2 के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ और बना देगा, रूबिस्को की मौजूदगी में बना लेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट के साथ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP कंबाइन करेंगे और बना देंगे 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट की हम रिडक्शन करेंगे और बना देंगे ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अब देखो टोटल 6-6 मॉलिक्यूल्स थे तो यहाँ पर भी 6 मॉलिक्यूल बनेंगे ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, लेकिन 6 में से 1 ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ना वो इस पाथवे को एग्जिट कर जाता है, यानी कि एक केल्विन साइकिल के नतीजे में हमें 1 ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिलता है, बाकी जो 5 ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होते हैं वो हम दोबारा यूज करते हैं ताकि रेबुलोज बिस्फॉस्फेट दोबारा बनाए और दोबारा ये साइकिल हमारी कंटिन्यू हो। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल जो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का होगा वो यहाँ पे रिलीज होगा, जो एक तरह का शुगर है, ग्लूकोज है, और इसके साथ साथ अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनाएगा जाकर। ठीक है, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। अब हुआ क्या है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक रिलीज हो गया, 5 जो है चले गए, ये 5 जो है ना और ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये 3 कार्बन कंपाउंड है ये भी। ठीक है, ये फॉस्फोग्लिसरेट, बिस्फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट सारे 3 कार्बन वाले। तो अब 5 मॉलिक्यूल्स हैं 3 कार्बन वाले, यानी कि 15 कार्बन मौजूद हैं। हम इनको कंबाइन करके 3 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे 5 कार्बन वाले, दैट इज रेबुलोज राइबुलोज बिस्फॉस्फेट। अब ये कैसे बनेगा, अब ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ना इसके फर्दर इंजाइमेटिक रिएक्शन होंगे, वो कौन से हैं वो हमारी कंसर्न नहीं है। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा इंटू राइबुलोज फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट चेंज हो जाएंगे इंटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबुलोज फॉस्फेट। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबुलोज फॉस्फेट और जो राइबुलोज फॉस्फेट है ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। इसके बाद राइबुलोज फॉस्फेट जो है ये कंबाइन करेगा 3 ATP के साथ और बना देगा राइबुलोज बिस्फॉस्फेट। ठीक है, राइबुलोज बिस्फॉस्फेट और दोबारा से वही पाथवे के राइबुलोज बिस्फॉस्फेट CO2 के साथ कंबाइन करेगा रूबिस्को की मौजूदगी में और होल पाथवे भी रिपीटेड। ये जो लास्ट प्रोसेस हमने पढ़ा है ना इसको कहते हैं रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, इसमें हम ये दोबारा बना रहे हैं। ठीक है, और ये सब कुछ वही डिस्कस किया गया है। और याद रखना ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हमने रीजनरेट किया था वो। कह रहे हैं होल प्रोसेस ऑफ कार्बन साइकिल ये शो करता है कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हैं जो इनपुट होता है इसका, 6 NADPH यूज करते हैं और 9 ATP यूज करते हैं। देखो 6 ATP यहाँ यूज किए थे हमने और 3 ATP यहाँ, तो 9 ATP हो गए, 6 NADPH यूज किए हैं और 3 कार्बन डाइऑक्साइड, और आखिर में क्या मिलेगा हमें, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक एग्जिट कर जाएगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें, 9 ATP मिलेंगे और 9 PI, बिकॉज 9 ATP चेंज हो जाएंगे 9 ATP और 9 PI में, और 6 NADP+ मिलेंगे। ठीक है, और दिस वॉज होल प्रोसेस ऑफ केल्विन साइकिल और जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, और बस यही इसकी सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। और जो अब सेलुलर डिस्पायरेशन का टॉपिक रह गया है, जो इसका अनदर पार्ट है बायो एनर्जेटिक्स का, हम उसको डिस्कस करेंगे इन अनदर वीडियो। तो